Hello, namaste, wanakam, wala marhaba, assalamu alaikum. This is your Mohammed Salim Khan. Welcome to my YouTube channel, MSK Vlogs. Good morning from Sachu. Beautiful place, beautiful morning. Okay, so abhi time ho raha hai, 6 baje utha tha. Now it's 6:50. Swagat hai aapka episode number 5 mein aur day 5. Aaj ka jo hamara journey hai, Sachu to Leh, which is 260 kilometers far from Sachu. Raat ko maine aapko kaha tha ki this is Sachu, but this is not exactly Sachu. Sachu se kuch 5 kilometer aage hai, to consider kar sakte hain isko Sachu. Consider kyun karenge jab Sachu hai hi nahi. So it's around Sachu, aur Sachu ke baad Himachal Pradesh ka border khatam ho jata hai, then JNK aata hai. Bahut thand hai, as you can see. यहाँ हर जगह अभी तक सूरज उगा नहीं है. मज़ा आ रहा है और पढ़ भी रही है. रात को थोड़ा सा तबीयत ख़राब जैसा हुआ था, बट नाउ इट्स ऑल फाइन. माउंटेंस, स्काई, क्लाउड्स, टेंट. दिस इज आर टेंट. क्या टेंट? टेंट, टेंट. लास्ट 3 जो है वो हमारी बाइक है. I hope you like the drone shot and everything. So now the time is 8:15 and अभी हम अपना actually गाड़ी वहाँ पर रखा हुआ है, तो वहाँ से यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है और बैग हैवी है. यहाँ पर थोड़ा भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो सांस फूलने लग जाती है. तो अभी बाइक कोल्ड स्टार्ट करेंगे एंड देन बाइक वहाँ से वहाँ पर, देन इंस्टॉल करेंगे अपना लगेज एंड देन ले. हाँ देखो, बात करते करते कितना हाँफने लगा हूँ मैं. इज द की एंड लुक एट द प्लेस मैन, इट्स ब्यूटिफुल. यहाँ पर अभी तक सूरज नहीं आया, वहाँ पर सूरज की रोशनी आप देख सकते हो, लाइक वो माउंटेन पे एंड सी दैट माउंटेन, ब्यूटिफुल. Here is Dev. We'll start with him. And this is my bike.
इंस्टॉलिंग बैग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। यहाँ पर देव का चल रहा है, ये सब सामान अभी ऊपर रखना है एंड देन निकलना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारा जो ये कैन होता है पेट्रोल का, इसे हमें टाइम टाइम पर ओपन करते रहना चाहिए। ओ शिट, ध्यान ही नहीं दिया यार, हाथ में लग गया यार। ये बांधते बांधते लग गया, और उंगलियों की हालत देखो कैसी हो गई है। क्या करना है तो हमें इसको ओपन करना है और एक बार ऐसे, सत्या वो वाला ओपन कर देना, ओपन करके सिर्फ बंद करना है, क्योंकि एयर प्रेशर उसमें आ जाता है तो उसको रिलीज़ कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमें प्यार सिंह जी ने बताया था कैसा करना चाहिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज़ डन, मेरा रेडी, ये सत्या का रेडी, देव का भी रेडी, वी आर ऑल सेट टू लीव। बर्थ है यार यहाँ पर आने का, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है बट इट्स फाइन, खून भी बह रहा है बट इट्स फाइन। निकल चुके हैं यहाँ से लगभग 8:30-9 बज रहा होगा। मैंने ये ग्लव्स चेंज किए हैं, ये मैंने डी कैथलॉन से लिया था, एंड इससे पहले वाला जो ग्लव्स था वो कहाँ से लिए थे हमने, मनाली से लिए थे, राइट, मनाली से। वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, जब रात को हम आए थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था यार, काफ़ी ज़्यादा, बट अभी सही है, खूबसूरत है, खूबसूरत वेदर। ओके सो दिस इज़ द आर्मी कैंप जहाँ पर लास्ट टाइम मैं आया था, यहीं से मेरी ज़िंदगी बची। काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, काफ़ी ज़्यादा, तो पहले वाले कैंप में ही मैं था, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, फिर बॉनफायर लगाया गया था, थैंक्स टू इंडियन आर्मी। ओके सो मैं वेट कर रहा हूँ देव का। हम लोगों ने एक रूल बनाया है, रूल ऐसा है कि पीछे अगर अपना पार्टनर नहीं दिख रहा है तो हम उसके लिए वेट करेंगे 10 मिनट तक, अगर वो नहीं आया तो यू टर्न मार के उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे। तो अभी देव मुझे पीछे दिख नहीं रहा है और सत्य आगे निकल चुका है, तो मैं देव का वेट कर रहा हूँ 10 मिनट यहाँ पर वेट करूँगा, अगर वो नहीं आया तो मैं पीछे चले जाऊँगा। हमारे पास इंटरकॉम नहीं है जिससे हम लोग बातचीत कर सके, तो हमने ये अपना एक जुगाड़ बनाया है टू हेल्प ईच अदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। कोई तो आ रहा है, देव ही है ना, लेट्स गो। दिस इज़ द बेसिक जुगाड़ जहाँ पर अगर फ़ोन नहीं चल रहा हो तो इस तरह से आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तांगला 156, पैंग 88, ले 252, उपशी 202। थैंक विजिट अगेन। शायद हमें वो परमिट दिखाना है यहाँ पर। हाँ जी सर, सलीम, मोहम्मद सलीम, तुम्हारी बाइक का नंबर बताओ। HP 58। चलो थैंक यू। आई थॉट कि यहाँ पर परमिट दिखाना पड़ेगा, उन्होंने सिर्फ हमसे नाम पूछा और नंबर पूछा, दैट्स इट। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट सारचू, और हम जहाँ रुके थे वो सारचू से पहले था। व्हाट इज़ दिस, ऊपर से आना पड़ेगा। अच्छा, वो राजू भैया ने कहा था कि ये ब्रिज क्रॉस करते ही JNK लगेगा। ये JNK का बॉर्डर है क्या? JNK का बॉर्डर है। ओके ओके, तो ये अभी कंफर्म हो गया कि ये JNK का बॉर्डर है और हिमाचल इसके पहले। सो नाउ वी आर इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ग्रेट, वाओ, क्यूट क्यूट बच्चे, लुक एट दिस, खाली खाली रोड। ये क्या भाई, गाड़ी जैसे जैसे आगे चल रही है ऐसा लग रहा है माउंटेन ऐसे ऐसे सामने आ रहा है। 3D विजुअल्स, एज आई सेड बिफोर इन प्रीवियस एपिसोड, अगर आपने प्रीवियस वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओह, आराम से ब्रा। अच्छा एक चीज और, सत्या का बाइक जो है वो एक बार गिर गई थी, हल्का सा, मतलब ऐसे खड़े खड़े गिर गई, तो उसका जो ब्रेक जहाँ पे हम लोग ब्रेक लगाते हैं और जो फुट, कैसे कहेंगे उसको, जिस तरफ ब्रेक होता है और जहाँ पर हम अपना फुट रखते हैं उसका, वो ऊपर आ गया है, तो उसको ब्रेक
दबाने हो नहीं रहा है, तो हमें कोई ना कोई ऐसे गैराज या फिर कोई ऐसे रिपेयर करने वाले के पास जाना है और वो रिपेयर करना है। तब तक आप इंजॉय करो ये म्यूजिक के साथ ये बढ़िया सा व्यू। Look at the view, man. One vehicle at a time. Look at this road. How beautiful it is. Ye road aise, 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 aise. Beautiful. Himang, always alert, avoid accident. Kya baat hai? गला सूख रहा है, तो अभी एक स्टॉप लेना ज़रूरी हो गया है। ये ट्रक वाले डरा देते हैं मेरे को यार। ये देखो, ये भी आ रहा है एक। लोग स्पीड स्लो ही नहीं करेंगे। ये देखो, ये माँ की आँख। वाओ यार, इन लोग से पंगा लेना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए आराम आराम से चलना। लुक एट दिस मैन, पैराडाइज। ओ हो हो, तो धक्का मार देते हैं। लेट्स गो बड़ी, डन। OMG, all right guys, so we are somewhere on the highway. पता नहीं कहाँ पर है। अब तक हम लोगों ने 50 किलोमीटर गाड़ी चलाया और थोड़ा सा ब्रेक लिया, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा था कहाँ पे ब्रेक लें, तो ब्रेक लेने के लिए हम लोगों ने ये जगह चुना। अभी जस्ट हमने ORS लिया, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी राइड करो, 2-3 पैकेट अपने साथ रखो, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये। एंड सीधा लोकेशन, क्या जगह है ये, क्योंकि कंटिन्यूसली 50 किलोमीटर राइड करते करते और खड्डे आ रहे हैं, उससे थोड़ा बैक दुखने लग गया। मैंने बैक सपोर्ट बनाया है, बैक पे, बैक के थ्रू बैक सपोर्ट बनाया, बट वो सिर्फ लो बैक पे सपोर्ट करता है, पूरे बैक पे सपोर्ट नहीं करता। एक छोटी सी दिक्कत हो गई है यहाँ पर, सत्या का एक जेरी कैन गिर गया जिसमें पूरा पेट्रोल था 5 लीटर। ये इसलिए हुआ क्योंकि रास्ते जो है वो ठीक नहीं है, रास्ता जो है बहुत ऐसा नहीं कि स्मूथ रास्ता है, कभी खड्डे आते हैं अचानक, कभी खड्डे आ जाते हैं, कभी एकदम स्मूथ रास्ता है। अभी हम लोगों ने बांध दिया है, वहाँ पर देव ने भी कर दिया है। Look at the roads, man. यहाँ 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 क्या पैच है। Rank 29, इससे पहले थोड़ा रेस्ट ले लें, कुछ खा पी लें, भूख लगी है। देव और सत्या पीछे हैं, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, बहुत लाइट बारिश है, पता नहीं चलेगा आपको कैमरे में। ओके, तो रुका जाए यहाँ पर कहीं पे, कहाँ रुके कहाँ रुके कहाँ रुके, चलो यहाँ रुकते। इस जगह का नाम क्या है? बिस्की नाला।
This is Biskinala. So after the Sachu, this is the first stop where we can have something, like something to eat, something to rest. Yeah, usse pehle kuch nahi tha. Guys, so we ordered chai. Chai abhi khatam ho chuki hai and we ordered Maggi. Now it's feeling good. Ab acha lag raha hai because jab wahan se hum log aa rahe the itni thand thi. Headache chalu gaya tha, abhi thoda sa theek hai. Ye jo do log hai, ये एक और वो दो, इनको कुछ होता ही नहीं है. इनको ना सर्दी लगती है, ना हेडेक होता है, एल्टीट्यूड का कोई असर नहीं. किस मिट्टी से बने आई डोंट नो. ठीक है, पावर है, पावर पावर फुल पावर में रहता है ये लोग. बाय द वे, ही इज माय सब्सक्राइबर. हाय, व्हाट्स योर नेम? वेंकट. वेंकट, या नाइस टू सी यू हियर. सो वी आर एंजॉयिंग आवर राइड, एंजॉयिंग फूड, एंजॉयिंग वेदर, एंजॉयिंग एवरी. किलोमीटर्स फार. नाउ वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड, बट ऐसे कह रहे हैं कि कुछ 20-30 किलोमीटर बाद ये रोड अच्छे हो जाएंगे. अभी वो आर्मी वाले कह रहे थे कि यहाँ पर ऊपर जाने का बहुत सारे छोटे छोटे से शॉर्टकट्स हैं, बट वो शॉर्टकट्स भारी पड़ सकता है. जैसे कि ये एक शॉर्टकट है वहाँ से यहाँ आने का. OMG यार, ब्यूटीफुल. अब तक कितनी बार मैं बोल चुका रहूँगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और आगे भी बोलते रहूँगा ब्यूटीफुल, क्योंकि ये जगह है ही ब्यूटीफुल यार. So we are here at La Chungla, 16,000. Now the road is really bad over here, and till now we rode like 60 kilometers from Sachu. This is like totally brown, there is no green and less oxygen. Headache mera badh raha hai abhi, but theek hai, continuously pani pee raha hu, kuch na kuch kha rahe hain, to itni problem nahi ho rahi hai. Jitne bhi log yahan par aa rahe ho, please do research and come yaar. Ye patch jald se jald khatam ho jaye, bas yahi pray karta hu main. Ye patch ne puri kamar ki waat laga di hai, back pain hone lag gaya. Dekhiye, ye hai pahadi ghode, brown mountain, brown blue sky, white cloud, sukha hua river, cool. संभाल के. ब्रेक मार रहा था, लगा ही नहीं. ये रोड पे गाड़ी रुकाना बोले तो बहुत डेंजर है. उसने ब्रेक मारा, गाड़ी ऐसी पलट गई. मैंने ब्रेक मारा, जाके लग गई. बहुत ही गंदा पैच है ये. अभी मैं इस रोड पे ना ब्रेक मारना अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी स्किट हो रही है. तो अभी मैं करूँगा ये कि अगर मुझे गाड़ी स्लो करना होगा तो मैं गियर कम कर दूँगा, बस ये कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड टाइम ये गाड़ी स्किट हुई है इस रोड पे. अरे बाप रे बाप, 3D. हो. So we reached Pang, altitude 15,280 feet. Finally. Okay, ऐसे वाला था. नहीं वो ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे वाला. One. Okay. Two. One. Okay. Oh, अब तो फैल जाओ. बस हो गया. All right. So as I said before कि यहाँ पर थोड़ा भी एक्टिविटी करते बहुत हाँपने लगते हैं, बट यहाँ पर आके अगर नाचे ना, यहाँ पर आकर अगर भंगड़ा नहीं किया तो की कितना फिर. सो दिस इज 15,280 फीट. लास्ट टाइम जो गए तो 16,000 था, बट वो तो कमिंग हियर
मजा आएगा. वी गोना ईट समथिंग फ्रॉम देयर. यहाँ पर कुछ खाने के लिए है. एंड दिस इज़ द सेकेंड सेकेंड स्टॉप फ्रॉम साचू. फर्स्ट हम लोग को वो बिस्की वैली में खाने को मिला था, उसके बाद में ये सेकेंड स्टॉप है जहाँ पर खाने को कुछ है. तो अगर आप आ रहे हो तो साचू में बिस्की वैली में खा सकते हो, सेकेंड पैंग में. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा साचू में अगर निकलोगे तो बिस्की वैली में कुछ खा लेना. बिस्की वैली छोड़ना नहीं, क्योंकि ये पैच बहुत गंदा है, कमर की बैंड मच जाएगी. चलो विल गो एंड ईट समथिंग. Alright, ladies and gentlemen, I had my food. I had actually teen paratha, and now having tea. और सत्या, मैंने जो बताया था आपको कि उसके बाइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो बना रहा है. I'll show you. तो यहाँ पर काम चालू है सत्या का. ये पैर यहाँ पर रखते हैं और ये प्रे के. एक्चुअली ये इसके नीचे होना चाहिए या फिर इसके लेवल पे होना चाहिए. हाँ. तो ये इतना ऊपर आ गया जिसके लिए प्रॉब्लम हो रही है. अभी शायद 5 बज रहे होंगे. सत्या की बाइक बनानी थी जो कि बन नहीं पाया. आई डोंट नो अभी कब और कहाँ हम बना पाएंगे. सो एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड देयर इज अ आर्मी कैंप. तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर यू आर फेसिंग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम, तो यू कैन विजिट आर्मी कैंप, दे विल हेल्प यू. सो नाउ यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू विद दिस ऑसम सॉन्ग. एंजॉय. मार ही देता भी है मेरे को तो ये. इतना गंदे पैचेस क्रॉस करने के बाद में फाइनली कुछ अच्छे रोड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो कि मोटरसाइकिल चलाने में काफी मजा आ रहा है. नाउ आई कैन गो टू 70-80, बट आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पर ऐसे ऊबड़ खाबड़ भी आ सकते हैं. 60-70 में रखता हूँ. कूल मैन. ओ ओ ओ ओ, मैंने कहा था आपको. तो तंगलंगला इज द हाईएस्ट पास, उसके बाद में नीचे 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 वो पास क्रॉस होने के बाद में सब चीज़ स्मूथ हो जाएगा. तो अभी फिलहाल इस ब्यूटीफुल रोड का आप मजा लीजिए विथ अ ब्यूटीफुल म्यूजिक. सो फार सो गुड, बट द ट्रूथ इज फनियर देन दैट. इट इज दैट यू आर लुकिंग राइट एट द ब्रिलियंट लाइट नाउ, दैट द एक्सपीरियंस यू आर हैविंग व्हिच यू कॉल ऑर्डिनरी एवरीडे कॉन्शियसनेस, प्रिटेंडिंग यू आर नॉट इट, दैट एक्सपीरियंस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज इट. There's no difference at all. In other words, when you really start to see things and you go into the nature of what it is to see, what vision is, or what smell is, or what touch is, you realize that that vision is the brilliant light of the cosmos. इट्स फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है. एक्सेलरेट करने नहीं हो रहा है. लगभग अभी 7 बज रहा होगा और ये बाइक यार पावर ही नहीं है इसके अंदर. ऐसे रोड पे पावर की ज़रूरत होती है, ये खींच नहीं पा रहा है. ओ हो, ऐसे टाइम पे अगर सूरज की रोशनी आप पे पड़ती है ना, तो इट्स लाइक जन्नत मैन. टैंक के बाद लगभग समझ लो 6-7 किलोमीटर्स, उसके बाद रोड एकदम सही हो गए थे. आपने देखा मस्त एकदम मक्खन जैसे रोड थे. आई मीन उस टाइम पे मेरी KTM होनी चाहिए थी, मज़ा आ जाता. ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड हियर?
कोई बता सकता है मुझे क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा जी, खड्डा कर दिया किसी ने। ले 120 करू 85 तंग लंगला 10 किलोमीटर्स, ओनली 10 किलोमीटर्स। ओके beautiful mountain, अब तक की सबसे ज्यादा ठंड लगने वाला एरिया ये है। बिल्कुल it's too much cold, I'm literally shivering. come on uske, come on thoda dur aur. Jab next time agar kabhi main aaunga to classic 350 kabhi nahi lunga. Thank you all 30,000 plus MSKians, aap logo ki wajah se main yahan par akela mehsoos nahi kar raha hu, samjhe kya baba? All right, finally reached. Yehi hai na tang langla. Yeah man, did it, amazing. Yeah, last time photo maine maar liya tha aise wala, aur yahan par pura barf tha, pura ye dhaka hua tha barf se. See this guys, this is my 2013 photo, this is 2013 and this is 2017. Let me update my Insta story. If you are not following me on Instagram, follow me on Instagram. My ID is it's M Salim Khan. Follow me. Let me update. All right, ladies and gentlemen, I am here at the second highest pass of the world. Say this, second highest pass. Cheer. So now I'll click some pictures. It's cold, yaar, it's cold. मेरे को ऐसा लग रहा है मुंह तक जाते जाते गिर जाएगी ये. Just taste it, man. Feel like. Priceless, हाँ. कैसा बोल रहे हो? बोल रहा बाहर. We are at 17,582 feet right now. Yes. It is freezing cold. क्या है यार? So it's 1 or 2 degree Celsius हुआ है. अभी ये चाय इन्होंने दिया था, एकदम गर्म था, अभी ठंडा हो गया. हार्डली 2 मिनट में नहीं हुआ ठंडा हो गया. थैंक यू सो मच, लेट्स गो. इट्स टाइम टू लीव बिकॉज अभी अगर हमने यहाँ पर थोड़ा भी रुका तो हमारे फ्रीज हो जाएंगे. इट्स बेटर टू लीव फ्रॉम हियर एज सून एज पॉसिबल. एंड वो जो भैया हमें चाय दिए थे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हमें ठंड कम लगेगी. सो दिस वॉज द सेकेंड हाइएस्ट पास. लुक एट द आइस. Some people will use a symbolism of the relationship of God to the universe. God is a brilliant light, only somehow veiled, hiding underneath all these forms that you see as you look around. एक बोतल में पहुंच जाएंगे हम लोग क्या? 100 किलोमीटर चल जाएगी? और क्या? 5 लीटर में? चल जाएगी, भाग-भाग के चलेंगे. Ugh.
All right, ladies and gentlemen. So finally, we are in Leh. कहाँ से शुरू करूँ? Okay. तो हम लोग तंगलंग ला से लगभग 7 बजे निकले थे. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी. फिर हम लोग वहाँ से भागे 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 और अंधेरा हो गया. काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी. सब लोग थक गए थे और हम लोग ले लगभग पहुँचे 10 बजे. और जैसे हम लोग ले पहुँचे इतने ज़्यादा टायर्ड थे, हमने बोला जो कुछ भी मिल जाए भाई रह लो, लेकिन जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर वाईफाई ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर प्रीपेड सिम कार्ड चलता नहीं है, बिलिंग चलता है. मैंने सोचा अगर इंटरनेट रहेगा तो घर पे बात हो जाएगी क्योंकि घर वालों से 3-4 दिन से बात नहीं हुई है. देन अगर इंटरनेट रहेगा तो हम लोग बुक माई शो या फिर गो IBBM में देख के कोई होटल अच्छा सा देख लेंगे. देन स्टोरी कुछ मैंने बनाए थे वो स्टोरी अपलोड नहीं हो रहे थे, स्टोरी अपलोड हो जाएगी. तो ऐसे काफी सारे सपने बुन के रखे थे. जैसे ही हम लोग गेस्ट हाउस के ऊपर गए, अपना सामान रखे, मैंने उनको पैसे दिया, उसके बाद में यहाँ पर नेट चले गया. उससे पहले नेट चल रहा था, उसके बाद नेट चले गया. अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. नींद बिल्कुल मेरे को नहीं आई, बाकी लोग को आई, नींद मेरे को नहीं आई बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे वहाँ पर वहाँ का वाइब ठीक नहीं लग रहा था. देन मॉर्निंग में ऐसे मेरे कानों में आवाज आ रही है चिल्लाने की कि यहाँ चलो वहाँ चलो, ऐसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं. तो मैं उठा और मैं खिड़की के बाहर जाके देखा तो पता चला कि ये टैक्सी स्टैंड है. मैं देव को उठाया, बोला कि चल भाई होटल देख के आते हैं. फिर वहां से हम लोग निकले होटल ढूंढने के लिए, मेन बाजार में आए और यहाँ पर लगभग 6-7 होटल में पूछे, सब जगह फुल 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 और 3,000-4,000 महंगा महंगा. तो फाइनली हम लोग ने एक अच्छा सा होटल ढूंढा मंडला, जिसमें बड़ा सा रूम है और मतलब अब ठीक है जगह है, सामान रुक सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है. ऊपर टेरेस है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा. यहाँ पर हम लोग को पड़ा 2500 में 4 लोगों के लिए, बड़ा रूम है. एंड अभी सब ठीक है, अभी हेडेक नहीं है, अभी एकदम अपने आप को मैंने अक्लाइमेटाइज कर लिया है. यहाँ पर वहाँ पर मैं रुका हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सामान रखना होता है, इसलिए ये भी मेरा सामान है. यहाँ पर एक सोफा है, ये बेड, इस पर देव सो रहा है. यहाँ पर सत्या और वेंकटेश रुका हुआ है. एंड दिस इज लाइक टेरेस, इसके ऊपर और एक टेरेस है. लेट्स गो देयर. एवरीवेयर माउंटेन्स 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 एवरीवेयर. मस्त होटल है, मस्त जगह है. आई इंट्रोड्यूस यू आर न्यू फ्रेंड. हाय गाइस, वेंकी. सो ही इज, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था. तो अभी से ये हमारे साथ है ट्रिप में. या ही इज जस्ट 23 एंड डूइंग सोलो राइड फ्रॉम लाइक बेंगलुरु टू ले. सोच के भी बताने में टाइम लग गया बेंगलुरु टू. ओके, सो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड. I hope you like the video. If you like, hit the thumbs up button. Stay tuned for next episode. Thank you for making me a part of your day. I'll see you soon in the next episode. Bye bye. Take care. Khuda hafiz. Live your life. Live your dream. Boom. This is episode 6.